हेलो एवरीवन, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ इज डिफरेंट इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे एक समान हैं और हम में से हर कोई कैसे एक दूसरे से अलग भी है वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज एंड वी आर ऑल गुड डिफरेंट थिंग्स हम सभी अपने अपने फील्ड में इंटरेस्टिंग हैं अपनी अपनी जगह इंटरेस्टिंग हैं और हम सभी में कुछ अच्छाई भी है एज यू रेट दिस थिंक अबाउट व्हाट यू लाइक एंड वाट यू इन्जॉय डूइंग अभी जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि हम किस तरह से एक समान हैं और हम क्या पसंद करते हैं सो लेट्स स्टडी चैप्टर सिक्स ऑफ क्लास सिक्स इंग्लिश द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज हू आई एम मैं कौन हूं पार्ट वन मेनी वॉइसेस राधा राधा के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे दैट माय फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज मेरी पसंदीदा एक्टिविटी गतिविधि क्या है पेड़ों पे चढ़ना जस्ट आउटसाइड आवर हाउस इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप मेरे घर के ठीक बाहर एक मैंगो ट्री है जिसपे मुझे चढ़ना बहुत पसंद है इसके जो ब्रांचेस हैं वो फैले हुए हैं स्प्रेड आउट सो इट इज सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ टू ब्रांचेस और मैं दो ब्रांच के बीच की टहनी पे आसानी से बैठ सकती हूँ मेरी माँ बताती हैं कि यह लड़कियों के लिए अच्छा नहीं कि पेड़ों पे चढ़ाई की जाए बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंट अप टू लेकिन एक आफ्टरनून वो भी पेड़ पे चढ़ गई एंड बोथ ऑफ अट देर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज और हम लोग घंटों उस पर बैठ कर कच्ची अमियाँ खा रहे थे और बातें कर रहे थे वन हाई अप इन द ट्री आई फील लाइक

माय फादर स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो अवर कॉटन प्लांट्स वो कहता है कि उसके फादर का जो खेत है उसमें उन्हें कॉटन प्लांट्स लगाने के लिए हर साल बीज खरीदने पड़ते हैं उसके ग्रैंड फादर ने बताया भी था उसे कि कई साल पहले ही कुड कलेक्ट द दीड्स फ्राम ओन प्लांट्स विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्रिंग द नेक्स्ट ईयर ग्रैंड ग्रैंडफादर ने बताया था वो तरीका कि किस तरीके से वो सीड्स को इकट्ठा करके अगले साल उसी फसल को उगाने के लिए उन बीजों का इस्तेमाल वो कर सकता है लेकिन टुडे दैट वर्क सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर लेकिन अभी वो तरकीब काम नहीं करती तो हमें हर साल नए बीज खरीदने पड़ते हैं आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर मैं ये भी सीखना चाहता हूँ कि कैसे इन सीड्स को प्रिजर्व रखा जाए सुरक्षित रखा जाए प्रिजर्व मीन्स सुरक्षित रखा जाए टू कीप देम सेफ जिससे कि हमें हर साल उन्हें खरीदने पर पैसे खर्च ना करने पड़े देन देर इज थर्ड पिक्चर एंड इट्स अबाउट रोहित रोहित सोचता है इफ़ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रैवल अगर मेरे पास खूब सारा पैसा हो तो मैं सिर्फ ट्रैवल ही करता रूँ आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन मैगजीन पिक्चर मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन्स को देखना चाहता हूँ क्योंकि वो मैगजीन में बहुत सुंदर लगते हैं आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका मैं तो ये चाहता हूँ मेरी ये इच्छा है कि मैं अमेजन रिवर जो कि साउथ अमेरिका में है उस उसपे नाव चला सकू आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीच लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल मैं तो चाहता हूँ कि मैं लक्षद्वीप के बीचेस को भी घूम सकू वहां पर रह सकू और समुद्र के नीचे जो छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको इंजॉय कर सकूँ आई सपोज आई शुड गो टू इन और द होल सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू बट वॉट आई एक्चुअली एंजॉय इज चर मोर देस रोहित कहता है कि वो तो चाहता है कि वो ओडिशा के कोनाक टेम्पल जाए या फिर चाइना के किसी पुराने शहर में जाए बीजिंग में जाए या फिर वो इजिप्ट के पिरामिड्स देखने भी जा सकता है द पिरामिड ऑफ गीजा इजिप्ट लेकिन वो कहता है कि उसे नेचर को करीब से देखना ज़्यादा पसंद है बजाय कि पुरानी बिल्डिंग्स की फोर्थ वन इज अ बॉय नेम सर्बजीत सरबजीत कहता है व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज वेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ अभी सरबजीत कहता है कि मुझे बहुत गु़स्सा आता है जब लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करते और वो भी तब जब मैं सच बोल रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई टेल माई टीचर डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉर गुड टू रिटर्न इट जैसे कि जब मैं अपने टीचर को बोलता हूँ कि मैं अपना होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि रवि ने मुझसे ले ली थी और मैं भूल गया और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट या फिर कभी कभी जब मैं अपने पेरेंट्स को कहता हूँ कि मेरे भाई ने लड़ाई शुरू की थी तब भी वो मुझे ही डांट देते हैं और इफ आई टेल माई टीचर दट आई रियली डिड स्टडी फॉर दै गॉट बैड मार्क्स या फिर कभी कभी मेरे टीचर भी जब मैं उन्हें यह बताता हूँ कि मैंने तो पूरी कोशिश की थी लेकिन मार्क्स कम आए दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज वो तो यही सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ द लुक ऑन दियर फेस इज रियली एंगर्स में उनके चेहरे पर जो गुस्सा होता है उनके चेहरे पे जो लुक जो उनका देखने का तरीका होता है उससे मुझे गुस्सा आता है कभी कभी आई हैव टू लुक लुक डाउन एट माई शूज एंड काउंट टू टेन सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री कभी कभी तो मुझे अपने शूज पे काउंट करना होता है ताकि मैं उन्हें दिखाऊं नहीं कि मैं कितना गुस्सा हूं देन इट इज डोलमा वन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डोलमा सोचती है कि जब वो बड़ी होगी तो वो भारत की राष्ट्रपति बनेगी सॉरी प्रधानमंत्री बनेगी लोग हमेशा हंसते हैं जब मैं ऐसा कहती हूं लेकिन मुझे पता है कि मैं एक दिन ऐसा करके रहूंगी क्लास में हर कोई एवरी वन इन माई क्लास मी वॉट टू अ प्रॉब्लम एंड माई टीचर स्कूल और मेरे टीचर भी इस बात, मेरी बातों पर यकीन करते हैं जब जब भी कुछ भी स्कूल में होता है आई वॉन्ट थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन मैं हर किसी के लिए चीज़ें बेहतर करना चाहती हूँ आई वॉन्ट टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स मैं चाहती हूँ कि हमारे पास भी अच्छे हॉस्पिटल्स रोड्स और स्कूल्स हों आई वॉन्ट टू यू मेक्सिको दर आर मेनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीजेज एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स मैं ये भी पक्का करना चाहती हूँ कि हमारे देश में कई अच्छे साइंटिस्ट भी हैं जो कि नई नई दवाइयाँ बनाएंगे बीमारियों के लिए और पे स्पेसशिप भी भेजेंगे देन कम्स पीटर माई फेवरेट एंड अकॉर्डिंग टू पीटर ऑफ एवरी मंथ उसका फेवरेट डे कौन सा है हर मंथ का दूसरा शनिवार ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म क्योंकि इसी दिन उसकी फैमिली सिनेमा हॉल देखने जाती है सिनेमा में सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने फिल्म देखने जाती है

हॉल में बैठ खाता और मूवी देखता रहूँ आफ्टर वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम इसके बाद हम हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं एवरी वन इज़ इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली अभी हम लोग में से हर कोई काफ़ी अच्छे मूड में होता है काफ़ी खुश होता है और हम लोग काफ़ी खुश फील करते हैं खुद को खुद काफ़ी खुशकस्मत फील करते हैं कि हम एक अच्छी फैमिली से आते हैं हम लोग एक खुशहाल फैमिली से आते हैं दिट्स ऑल फॉर दिस वीडियो वी शैल स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास टिल दिन थैंक्स एंड गुड बाय